जोहार झारखंड, वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह और आपका स्वागत है टीडी लर्निंग के यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता है, मई मंथ में जो एग्जाम होने वाला है जेपीएससी, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जीएस पेपर 2 का सीरीज लेके आया हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग देखते हो, कमेंट में कुछ नहीं बताते कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है कि बुरा पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट में बताइए कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ और क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। उसके साथ ही साथ बहुत जल्द झारखंड का लगभग 10,000 एमसीक्यू पे हमारा काम चल रहा है, जो बहुत जल्द आपको मिलना चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ एक साल का करंट अफेयर जो स्पेशली झारखंड से रिलेटेड रहेगा, वो भी हम लेके आएंगे। बस आप लोगों से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि टीडी टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जेपीएससी का मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है झारखंड का इतिहास। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैं बता रहा हूँ, ये पीएचडी करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा जेपीएससी का, तो आपको पता होगा जेपीएससी में फैक्चुअल चीजें होती है, एनालिटिकल नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप भी थेथोलॉजी मत कीजिए, पीएचडी करने मत बैठिए, उतना ही पढ़िए जितना आपका काम तमाम हो जाए, मतलब आप पास कर जाए, ठीक है। तो जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें पहला लेक्चर था हमारा मुंडा शासन व्यवस्था, दूसरा नागवंशी, तीसरा पढ़ा, चौथा मांझी मांझी परगना, और आज जो हम देखने वाले हैं आज रहेगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। बाकी जो प्रीवियस लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जेपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो जुड़ा हुआ है वो हो जनजाति से जुड़ा हुआ है, यानी आप बोल सकते हैं हो जनजाति शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, और इसका एक और नाम है विल्किंसन रूल। ये एग्जाम में कम से कम बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ये 2016 यानी जो पहला वाला जो एग्जाम हुआ है आपका, उसमें भी पूछा है, उसके पहले भी बहुत बार पूछा गया झारखंड के एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा। जहां तक हो जनजाति का सवाल है तो हो जनजाति जो है वो झारखंड का चौथा सबसे बड़ा जनजाति है, और ये जो निवास करते हैं ये कोल्हान क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। एक हो गए, दूसरी राजनीतिक और सामाजिक विविधता इनके अंदर काफी है और सामाजिक और राजनीतिक चीजों में काफी रिच है, यानी इनका जो व्यवस्था है वो काफी मजबूत है, जो इनका समाज में फॉलो किया जाता है, जो रूल्स रेगुलेशन सामाजिक और न्यायिक पद्धति है वो काफी अच्छे तरीके से फॉलो की जाती है इसमें। देन थर्ड पॉइंट, गांव का, इनका जो गांव होता है उस गांव का एक प्रधान होता है, उस प्रधान को मुंडा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हो जनजाति का जो गांव का प्रधान होता है उसको मुंडा के नाम से जाना जाता है। मुंडा का एक सहायक होता है जिसको हम डकुआ कहते हैं। देखिए डायरेक्ट सवाल आता है कि मुंडा के सहायक को क्या कहा जाता है, तो मुंडा के सहायक को डकुआ कहते हैं, इसको आम भाषा में बोले तो चपरासी, सिंपल सा सिंपल ग्रुप डी जिसको आप बोलते हैं ना, ग्रुप डी वाला नौकरी, तो वही चपरासी बोलते हैं। अब देखिए, अब प्रधान जो होता है यानी मुंडा, उसका एक लिमिटेशन है कहाँ कहाँ जाएगा। तो क्या किया गया, जब गांव का नंबर बढ़ गया यानी 5 से 10 गांव हो गया तो उसको पीर कहा जाने लगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 5 से 10 गाँव को मुंडा मान की शासन व्यवस्था में क्या कहा जाता है, एक से अधिक गाँव को, तो उसको पीर कहा जाता है, और पीर का जो प्रधान होता है उसको मानकी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे शासन व्यवस्था चली आ रही थी, फिर अंग्रेजों का आक्रमण हो गया, अंग्रेजों ने क्या किया, वहां हथियाने की कोशिश किया कोल्हान क्षेत्र को, और कोल्हान क्षेत्र जो था इसको क्या किया अंग्रेजों ने, बाद में बंगाल में डाल दिया। ये बोले कि ये बंगाल में चला जाएगा, झारखंड से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और फिर क्या किया गया, बंगाल उस समय बिहार, चूंकि पता है प्रोविंस बिहार बंगाल उड़ीसा सब एक ही था, तो बंगाल में डाल दिया गया। और लोहरदगा, लोहरदगा आपको पता ही होगा, लोहरदगा जो अभी जिला है, तत्कालीन जिला लोहरदगा है, उस लोहरदगा से इस कोल्हान क्षेत्र को कंट्रोल किया जाने लगा। अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ते गया, उनकी दमनकारी व्यवस्था से लोग परेशान होते गए, तो हो जनजाति ने क्या किया, विद्रोह छेड़ दिया। कभी 1830 से 1832 के बीच में विद्रोह छेड़ दिया। कौन सा विद्रोह बोला गया उसको, कोल विद्रोह, यानी हो जनजाति द्वारा छेड़ा गया विद्रोह को कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो 1830-32 के साल में चालू किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, विद्रोह हुआ,
काफी आप पढ़ेंगे, काफी अंग्रेजों ने कहा था कि जो हो जनजाति या झारखंड की जो भी जनजातियां हैं उनको आप दमनकारी नीति से नहीं आप हरा सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता प्रेमी है, यानी मर जाएंगे लेकिन आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या किया गया, तो थॉमस विल्किंसन को बुलाया गया। इनका नाम था, भाई साहब का नाम था थॉमस विल्किंसन, पूरा नाम था। तो ये आए भाई साहब, ये आके, भाई साहब नहीं थे उस समय के, ऑफिसर थे, ठीक है। इन्होंने 1837 में एक समझौता किया और उस समझौते का नाम दिया गया विल्किंसन रूल, ठीक है, विल्किंसन रूल नाम दिया गया। उस विल्किंसन रूल में टोटल 32 प्रावधान थे। आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 32 प्रावधान क्या थे, सिर्फ पूछ देगा कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। जेपीएससी का आप जानते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका, तो पीएचडी मत करिए, मई के बाद भरपूर कहानी सुनाऊंगा, आप मैसेज कीजिए, बैठ के खूब कथा कहानी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। 32 प्रावधान था मेनली जो ये काम करते थे, विल्किंसन रूल जो काम करता था, दंड संहिता, यानी जो उन समय हो जनजाति का जो दंड प्रावधान था उसको लेके उनका संस्कृति के ऊपर कंट्रोल करना, कैसे उसको चलाना है, और कर प्रणाली या टैक्स वगैरह कैसे लेना है। पहले टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, ये जब अंग्रेजों के पहले जब ये मुगल ने आक्रमण किया तो टैक्स यानी जिसको आप नजराना बोलते हैं वो चालू हुआ, मालगुजारी चालू हुआ, जिसको अंग्रेजों ने कंटिन्यू रखा। पहले के जो राजा थे नागवंशी राजा में आपने देखा होगा फनी मुकुट राय वगैरह, वो लोग क्या करते थे, टैक्स का प्रोविजन नहीं था, इसलिए दुर्जन साल को जहांगीर ने 12 साल के लिए ग्वालियर किला में कैद करके रखा था। बाद में जब समझौता हुआ कि हर साल 6000 रुपया आपको देना पड़ेगा, तो जाके उनकी रिहाई हुई, समझे कि नहीं बात। तो इस तरह से विद्रोह चलता गया, कर प्रणाली वगैरह चलता गया, और जो इनका हो जनजाति का जो आपका ग्राम पंचायत का काम था वो मेनली वही है कि यौन संबंध अगर नाजायज है तो उसको कंट्रोल करने का, गांव में मारपीट हो गया, भूमि विवाद हो गया, कर विवाद हो गया, तो इन सबको सुलझाने का काम कौन करता था, मुंडा करता था। मुंडा से नहीं संभला तो वो मानकी के पास जाता था, क्लियर बात। समाज से बहिष्कृत करना है किसी को, तो ये सारे उनके शासन व्यवस्था का एक क्या बोलते हैं, अभिन्न अंग था। अब आ जाइए, फिर क्या किया अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये सब तो हो गया, तो 1837 में उन्होंने क्या किया, जो भी मुंडा थे उस समय यानी जो ग्राम प्रधान थे उन लोगों को राजा घोषित कर दिया, बोल दिया कि ये जो सीट रहेगा ना ये वंशानुगत रहेगा, यानी मुंडा का बेटा ही मुंडा बनेगा। आगे चल के ये चेंज होने लगा कि मुंडा का बेटा मुंडा नहीं बनेगा, वही बात हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, देखे ना सुपर 30, वही चीज है। तो मुंडा का बेटा ही राजा बनेगा, वंशानुगत चला आने लगा, और कर वसूली की प्रावधान कर दिया है कि जो मुंडा है वो अपने गांव से 1 रुपया वसूलेंगे और 12 आना मानकी को, 1 आना उनको जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा वो अंग्रेजों को चला जाएगा। इस तरह से कर प्रणाली था। घूम फिरा के बात यह है जो आपसे पूछा जाएगा वो ये मुंडा मानकी विल्किंसन रूल, गाँव का प्रधान मुंडा को बोलते हैं, 5 से 10 गाँव को पीर बोलते हैं, उसका जो हेड होता है उसको मानकी बोलते हैं। कुल मिला के इससे ये सवाल हो गया और 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। अगले वीडियो में मिलेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के साथ। तब तक टीडीए लर्निंग के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।